टाइम्स के सभी पाठकों और दर्शकों का टाइम्स की विशेष बुलेटिन आपनो गांव आपनी खबर में स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी से निवेदन, हमारे न्यूज बुलेटिन सहित क्षेत्र के सभी समाचारों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाएं। अब बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। छुट्टी पर घर आए फौजी सहित 3 युवकों के डिग्गी में डूबने से मौत, गांव सहित श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र हुआ गमगीन। शहर से गांव तक योग इन होम और योग विद फैमिली मनाया गया। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में टिड्डियों ने मचाया कोहराम, आज कस्बे से भी गुजरा बड़ा टिड्डी दल। एक खेल में लगी चोट से गंवाई 6 वर्षीय बालक ने अपनी जान, बच्चों का रखें ख्याल। ग्रहण देखने का रोमांच, बाजार रहा सुनसान, पूजा पाठ में दान पुण्य का चला दौर। ये थे आज के मुख्य समाचार। चर्चा करते हैं विस्तार से। उपखंड के गांव मिंगसरिया में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ जिससे पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया, जिसने सुना आंखें नम हो गई। गांव में 3 जून को ही फौज से छुट्टी लेकर लौटा जवान अपने 2 दोस्तों के साथ खेत की डिग्गी में डूबने से अपनी जान गंवा बैठे। रविवार दोपहर करीब 1:15 बजे दुखद हादसे में 3 युवकों की मृत्यु से पूरा गांव शोक की लहर में डूब गया। मिंगसरिया गांव में रामलाल गोदारा के कृषि कुएं पर सिंचाई के लिए पानी की डिग्गी बनी हुई है और इसी डिग्गी से फसल में सिंचाई के लिए बूस्टर शुरू करने के लिए रामलाल का 27 वर्षीय पुत्र राम निवास रविवार दोपहर करीब 1 बजे अपने दोस्तों के साथ डिग्गी पर गया। पैर फिसलने से राम निवास डिग्गी में गिर गया एवं वहां मौजूद 25 वर्षीय राजेश प्रजापत भी उसे बचाने के प्रयास में डिग्गी में गिर गया। दोनों को डूबते देख 25 वर्षीय फौजी बजरंग लाल भी डिग्गी में कूद गया एवं दोनों जनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तीनों जने ही डिग्गी में डूब गए। रामलाल गोदारा के शोर मचाने पर पड़ोस के खेतों से किसान भागकर आए एवं डिग्गी को तोड़कर तीनों जनों को निकाला। परिजन उन्हें श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय लेकर पहुंचे, परंतु तब तक देर हो गई और चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। जवान बच्चों की मौत से परिजनों का क्रंदन हृदय विदारक रहा। श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय के बाहर उप प्रधान केसराराम गोदारा में बड़ी संख्या में परिजन, सामाजिक कार्यकर्ता आदि लोग एकत्र हो गए और परिजनों को ढांढस बंधाया। पुलिस द्वारा तीनों युवकों का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में रामलाल गोदारा द्वारा मर्ग दर्ज करवाई गई है। क्षेत्रीय विधायक गिरधारी लाल महिया और यूथ कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष हरिराम बाना ने भी इस दुखद हादसे पर परिवार के प्रति संवेदना प्रकट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्षेत्र में योग के अनेक आयोजन हुए। हर वर्ष की तरह बड़े बड़े कार्यक्रमों की धूम तो नहीं रही, परंतु फिर भी इस वर्ष भी योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली का पालन करते हुए क्षेत्रवासियों ने योग किया। कस्बे के जयपुर पब्लिक स्कूल में आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ योग गुरु ओम कालवा ने योगाभ्यास करवाया। बालिका आर्यंशी स्वामी व वंदना घिंडाला ने कई योगासनों का प्रदर्शन किया। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर ईश्वर शर्मा ने इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के बारे में आयुर्वेदिक उपाय भी बताए। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन शिव स्वामी, नागरिक विकास परिषद अध्यक्ष श्रवण कुमार सिंधी, बाल किशन और डॉक्टर कुसुम शर्मा, राजेंद्र स्वामी, नरेंद्र राजपुरोहित, जयकिशन दास वाणी, घनश्याम गोड़, राकेश परिहार, चंद्रमुखी घंटाला, सुरेंद्र चूरा, भवानी तावड़िया सहित कई वरिष्ठ जनों ने भाग लिया। स्कूल के निदेशक कुमाराम घंटाला ने सभी का आभार जताया। गांव मोहमासर के हनुमान द्वारा पर उत्तम सांकला ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया। वार्ड पंच बनवारी भार्गव का यहाँ सम्मान किया गया। पवन सैनी ने बताया कि कार्यक्रम में सांवरमल खटीक, विजय सांकला सहित मोहल्ले के कई बच्चे और बुजुर्ग युवा शामिल हुए। भारत स्वाभिमान श्री डूंगरगढ़ तहसील इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गांव जालकसर में मनाया। भारत स्वाभिमान के तहसील प्रभारी बेगाराम लुखा ने शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर महामारी के दौर में स्वयं को योग द्वारा स्वस्थ रखने की बात कही। इस कार्यक्रम में लुखा के पूरे परिवार सहित योग प्रशिक्षक बलराम मेरीवाल ने भी भाग लिया। गांव सोनियासर में तैनात कोरोना योद्धा ANM लीला सिहाग ने अपनी बेटी ऋतु और बेटे तरुण के साथ योगाभ्यास किया। गांव के पंचायत सहायक मोटाराम जानी, पब्लिक अंगेस्ट करप्शन सोसाइटी राजस्थान के जिला उपाध्यक्ष भवरलाल जोशी ने भी योगाभ्यास किया। सूर्या फाउंडेशन ने भी आज ऑनलाइन योग करवाया। फाउंडेशन के मांगीलाल नाई ने बताया कि आज फेसबुक लाइव के माध्यम से देश भर में फाउंडेशन ने 18 राज्यों में 1,25,000 परिवारों को योगाभ्यास करवाया है। इस अभ्यास में भीखपुरी गोस्वामी, तोलाराम राजपुरोहित, आसू गिरी, संतदास स्वामी, अभिमन्यु गिरी गोस्वामी सहित अनेक लोगों ने भाग लिया। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र में टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है। लगातार टिड्डियां घूम घूम कर किसानों को नुकसान पहुंचा रही है।
पर्याप्त संसाधनों की कमी के बावजूद सारी रात कृषि विभाग की टीमें किसानों के साथ मिलकर इन्हें नियंत्रित करने में जुटी हुई है। शनिवार को टेडिया जैसलसर श्रीनगरगढ़ दक्षिण से गांव सोरियासर में डेरा डालने पहुंची। किसानों ने पीपे थालियां बजाई पर शाम होने के कारण वे खेतों में बैठ गई। कृषि विभाग की तीन दलों ने शनिवार को गांव सोनियासर कित्तासर राजेडू गांव में किसानों के सहयोग से टिड्डियों को मारने के प्रयास किए। कृषि विभाग की इन टीमों में चूरू कृषि अधिकारी सुरेंद्र मारू, श्री डूंगरगढ़ सहायक कृषि अधिकारी रमेश चंद्र भामू, कृषि पर्यवेक्षक बलवीर भादुर, रमेश कुमार बाना, बनवारीलाल सैनी, परतनाथ, ओम प्रकाश कुलडिया, राजूराम मेघवाल, राजेंद्र डेलू, पवन सारस्वत ने सारी रात टिड्डियों पर नियंत्रण के प्रयास किए और करीब 120 हेक्टर भूमि पर कीटनाशकों का छिड़काव कर टिड्डियों को मारा गया। रविवार सुबह टिड्डियां श्री डूंगरगढ़ शहर में पहुंच गई और हवा के साथ पूरे कस्बे में छिटरा गई। कस्बे वासी भी इन्हें देखने के लिए छतों पर चढ़ गए और थालियां बजाने के आज एक और दुखद घटना में खेलते हुए गिरना भी एक बच्चे की जान पर बनाया और 6 वर्षीय बालक ने खेल खेल में अपनी जान गंवा दी। थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि कित्तासर निवासी राजू राम का 6 वर्षीय पुत्र जगदीश 17 जून को खेलते हुए गिर गया था और गिरने से उसे चोटें आ गई तो परिजनों से उपचार के लिए बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां आज बालक की मृत्यु हो गई। आज पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा क्षेत्र में लोगों ने देखा और आनंद लिया। टाइम्स के कई दर्शकों ने फोटो और वीडियो भी भेजे। आज सुबह कस्बे में दुकानें बंद रही और बाजार सुनसान रहे। कोरोना के कर्फ्यू सा सन्नाटा ग्रहण के कारण पूरे शहर में पसरा हुआ नजर आया। लोग घरों से बाहर नहीं निकले और ग्रहण के लॉकडाउन का पालन किया। घरों और मंदिरों में भजन कीर्तन के आयोजन हुए और लोगों ने भगवान से कोरोना टिड्डी और ग्रहण के दुष्प्रभावों से रक्षा के लिए प्रार्थनाएं की। नागरिकों ने गौशालाओं में और गरीबों को खूब दान पुण्य भी किया। डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।